व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह आपको अपने जमान में रखे। अब मैं जो आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, ये है ब्लूबेरी की सिरप बनाना, ब्लूबेरी का। ठीक है, इसके लिए मुझे चाहिए 2 कप शुगर, 250 ग्राम ब्लूबेरी और 1 कप पानी, वो आपने इसमें शामिल कर लेना और इसे ब्लेंड कर लेना। देखें व्यूअर्स, देखिए व्यूअर्स, इसे मैंने ब्लेंडर में आधा कप पानी और डाल लिया था, ये काफी गाढ़ा बन रहा था तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे और ज्यादा नरम किया। और इस तरह आपने छाननी में इसे छान लेना है। और व्यूअर्स, ये जो सिरप है ये पैन केक, पेस्ट्री, यानी इस तरह जैसे जितनी चीजें बनती हैं आप लोग इसमें सिरप जिसमें यूज करते हैं, आपको अच्छा लगता है जो फ्लेवर, वो सिरप आपने इसी तरह तैयार करना है। ये देखें, ये इसका ये सारा, अब बहुत ज्यादा ना करें वो फिर इसमें छोटे छोटे दाने से बन जाएंगे। ये बस इतना ही बहुत है। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें, ये इस तरह इसका सिरप तैयार हुआ है। और 2 कप चीनी लेके आपने इसमें शामिल कर देना और इसे जब तक ये शीरा तैयार, जैसे शीरा थोड़ा गाढ़ा तैयार होता है ना, कार निकल आती है, उतनी देर तक आपने इसे बनाना है। और मीडियम हीट पे बनाना है आपने, बहुत तेज हीट नहीं रखनी और बहुत लो भी नहीं रखनी। बस देखें व्यूअर्स, एक इस तरह इसके ये बॉयल बुलबुले से बनने लग गए। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा। और साथ साथ आपने इस तरह, ये देखें ये झाग है ना, आपने साथ साथ ये भी, ये देखें ये भी निकाल लेनी है। अब आप इसे भून के थोड़ी देर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आपने इसे शीशी में डाल देना है। ये देखिए, देखें व्यूअर्स, बिल्कुल ये जब आप देखें ना इसमें से ये बॉयल आने लग गए हैं तो ये सिरप तैयार है। ये दिखा, देखें जरा इसका कलर, या आप जिस चीज़ पे चाहे इस्तेमाल करें, और स्टॉप जो मीठी चीज़ फ्रूट होगा ना उसमें आप थोड़ा सा लेमन शामिल कीजिएगा। इस ये तो वैसे वह खटास वाली चीज़ है, इसमें आपने कोई लेमन शामिल नहीं करना। ये देखें ये फालतू, ये आपने रख देना। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, ये सिरप तैयार हो चुका है। ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो मैं इसे शीशी में डाल के, जार में, जार ले लें, शीशी ले लें, मेरे पास ये शीशी खाली थी, मैंने कहा इसमें डाल दूँ। बस ये थोड़ी ही देर में ना ठंडा होगा। देखें व्यूअर्स, आपने इस तरह, मैं ज़रा गर्म ही डाल रही हूँ, थोड़ा इस तरह आपने, ये देखें, बना के आपने शीशी में रख लेना है। और इसे ठंडा होने के बाद आपने इसे फ्रिज में रखना है। चले व्यूअर्स, आप लोग भी बनाएं इसे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनेगा। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़।